हेलो दोस्तों, ये टाटा की मांजा डीजल गाड़ी है और इसमें प्रॉब्लम था कि गाड़ी बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही थी और काला धुआं मार रही थी। तो हम लोगों ने एयर फिल्टर वगैरह सारा चेक किया, पाइपलाइन चेक किए, इंटरकूलर के पाइपलाइन, टर्बो के पाइपलाइन, वैक्यूम के पाइपलाइन, सारा कुछ चेक किया तो सारा कुछ परफेक्ट था। तो हम लोगों ने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए टर्बो का एक पाइप है यहाँ पे, देखिए। और थोड़ा सा मैं फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए यहाँ पे, ये दिख रही है आपको, दिख रहा है ये टर्बो का पाइपलाइन, ये वाला, ये पाइपलाइन टर्बो का। इस पाइपलाइन को जब हम लोगों ने चालू करके पाइपलाइन को निकाला, पाइपलाइन निकालने के बाद बिल्कुल भी रेस देने पे हवा एकदम नॉर्मल आ रही थी, थोड़ी थोड़ी हवा आ रही थी, जैसा चाहिए वैसा नहीं आ रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ से टर्बो चार्जर निकाला और मैं आपको टर्बो चार्जर दिखाना चाहता हूँ, टर्बो चार्जर में क्या हुआ। तो देखिए ये है टर्बो चार्जर जो हम लोगों ने बाहर निकाला हुआ है। ये देखिए इसके विंस देखिए, ये देखिए किस तरीके से प्ले हो चुका है। एक सेकंड इसके अंदर दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसका कोर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। देखिए ये देखिए, मैं किसी चीज़ से इसको ये करता हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए पूरा इसका कोर गया हुआ है। इसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल पिकअप नहीं ले रही थी और पूरा धुआं मार रही थी। तो ये इसमें प्रॉब्लम था जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है।